हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है प्रीवियस ईयर जेई मेन ऑब्लिक ए आई ट्रिपली चैप्टर पॉलीमर ईयर 2002 टू 2018 तक का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। 2019 एंड 2020 का क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करेंगे, जब 2020 का जेई मेन टू जो कि जुलाई में होने वाला है हो जाएगा, उसके बाद सारा पेपर एक साथ चैप्टर वाइज डिस्कस कर देंगे। इसके बाद एक और पॉइंट, हम जो है सबसे पहले क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आंसर की, उसके बाद सॉल्यूशन बताएंगे। और आप लोग जो है हर एक क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ सॉल्यूशन देखने से कुछ भी फायदा नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा। तो एक बार जरूर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है या कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है वो आप सॉल्यूशन से चेक कर सकते हैं। तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ का ऑप्शन ए बी सी और फिर डी ऑप्शन, उसके बाद फिर सेवन्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन, अलेवेंथ का ऑप्शन ए बी सी डी, ट्वेल्थ क्वेश्चन। तो टोटल 12 क्वेश्चन है, सभी का आंसर की दिया हुआ 1 to 12 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो पॉलीमर फॉर्मेशन फ्रॉम मोनोमर्स स्टार्ट हुआ, तो मोनोमर से पॉलीमर फॉर्म होता है, इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है? तो ऑप्शन देखिए, कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स, कोऑर्डिनेट रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स, कन्वर्जन ऑफ मोनोमर टू मोनोमर आयंस बाय प्रोटॉन, हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनोमर। तो पॉलीमर चैप्टर में टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बताए हैं, मतलब मोनोमर से पॉलीमर में कौन कौन सा रिएक्शन मतलब होता है, किस टाइप का रिएक्शन। तो वहाँ पे बताए थे एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन लिखा हुआ है कि मोनोमर्स के बीच में कंडेंसेशन होता है, मतलब -H2O या माइनस अल्कोहल वगैरह भी हो सकता है जिससे कि पॉलीमर फॉर्म होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑप्शन में है नहीं। वैसे भी अगर कंडेंसेशन रिएक्शन लिख दिया तो एडिशन नहीं लिखेगा, क्योंकि जेई मेंस में सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप होता है, तो दोनों एक साथ नहीं रह सकता। अगर कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं रहेगा तब एडिशन रिएक्शन या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन रह सकता है ऑप्शन में। एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन सेम ही है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, नाइलॉन थ्रेड्स आर मेड ऑफ, तो नाइलॉन थ्रेड, नाइलॉन्स का रिएक्शन हम बताए थे कि ये पॉलीएमाइड का पॉलीमर होता है, पॉलीएमाइड का पॉलीमर, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नाइलॉन सिक्स या नाइलॉन 6.6 सभी पॉलीएमाइड ही होता है, जितना भी नाइलॉन्स होता है। पॉलीएमाइड का यदि डिफिनेशन आपको ध्यान हो तो वहां पे बताए थे पॉलीएमाइड में पोजेस एमाइड लिंकेजेस एंड आर कॉल्ड नाइलॉन्स। तो जो भी पॉलीएमाइड्स होता है उसको नाइलॉन्स ही बोलते हैं, और नाइलॉन्स में एमाइड लिंकेजेस रहता है। नाइलॉन जो है कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है डायमीन्स और डाइकार्बोजाइलिक एसिड में, मतलब NH2 और COOH, COOH में से -H2 होगा तो C डबल बॉन्ड NH बनता है एमाइड लिंकेजेस। यही आपका इसी का बहुत सारा लिंकेजेस रहता है तो पॉलीएमाइड हो जाएगा, एक से ज्यादा रहेगा तो। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है नाइलॉन 6.6, तो यही आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि पॉलीएमाइड्स को ही नाइलॉन कहते हैं। नाइलॉन 6 या नाइलॉन 6.6 ये सभी में एमाइड लिंकेजेस रहता है, इसलिए पॉलीएमाइड्स कहलाता है। बाकी बेकेलाइट तो पता ही है, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर होता है, पहले फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से नोवेलेक बनता है, जिसका कि फर्दर हीटिंग करने पे ये क्रॉस लिंकिंग करके बेकेलाइट बना लेता है। टेरिलेन, टेफ्लोन, ये सारा पॉलीमर के बारे में हम बता चुके हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर, फुल्ली फ्लोरिनेटेड। तो आपको टेफ्लोन का स्ट्रक्चर अगर ध्यान हो तो CF2 डबल बॉन्ड CF2 मोनोमर से बनता है टेफ्लोन, टेट्रा फ्लोरो इथिन इससे बनता है, CF2 डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये इस तरह से होल एन एन मोल टेट्राफ्लोरोइथीन से बनेगा, पोली टेट्राफ्लोरोइथीन, पोली टेट्राफ्लोरोइथीन या फिर टेफ्लोन भी इसको बोलते हैं। तो ये जो है
फुल्ली फ्लोरिनेटेड है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सभी सिर्फ फ्लोरीन एटम ही है, तो यही आपका फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर होगा, ऑप्शन सी। बाकी में तो फ्लोरीन है ही नहीं, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड क्लोरीन है, फ्लोरीन है ही नहीं। इसके बाद फिर नेक्स्ट, बेकेलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम फिनोल बाय रिएक्टिंग विद, तो बेकेलाइट फिनोल का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, तो बेकेलाइट जो है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से, मतलब फिनोल का रिएक्शन जब फॉर्मल्डिहाइड से करवाते हैं, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, तो जाके नोवेलक बनता है, उसके बाद फर्दर हीटिंग के बाद नोवेलक से बेकेलाइट बन जाता है, मतलब कि आपका आंसर फॉर्मल्डिहाइड होगा। फॉर्मल्डिहाइड कहाँ, ऑप्शन डी HCHO, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से बेकेलाइट बनेगा, बेकेलाइट इज ऑब्टेंड फ्रॉम फिनोल बाय रिएक्टिंग विथ फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद फिर सिक्स, बौना नाइट्रोजन सिंथेटिक रबर इज ए कोपोलीमर ऑफ, तो ये बोल रहा है कि बौना नाइट्रोजन जो सिंथेटिक रबर होता है ये किसका कोपोलीमर है, मतलब इसका मोनोमर कौन सा है, तो बौना नाइट्रोजन आपको पता है कि एक्रायोनिट्राइल प्लस 1,3-ब्यूटाडाइन। अब एक्रायोनाइट्राइल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, और ब्यूटाडाइन होगा 1, 2, 3, 4 कार्बन आइटम, फर्स्ट से डबल बॉन्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से डबल बॉन्ड, बाकी यहाँ भी CH2, यहाँ एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन, यहाँ से भी दो हाइड्रोजन, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHCN, यहाँ ये तो 1,3-ब्यूटाडाइन है और ये स्टाइरीन है, जबकि एक्रायोनाइट्राइल चाहिए, स्टाइरीन अगर रहता है 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ तो ये बौना सल्फर बनाता है, ना कि बौना नाइट्रोजन। इसके बाद सेकेंड, तो एक्रायोनाइट्राइल है CH2 डबल बॉन्ड CHCN, और साथ में CH2 यहाँ पे इसको आप अच्छे से लिख दीजिए CH डबल बॉन्ड CH2 है, ऐसे ये तो अंडरस्टूड है, अगर इस कार्बन से दो हाइड्रोजन है तो चार बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास डबल बॉन्ड ही होगा, लेकिन अच्छे से लिख दीजिए CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट है, एक्रायोनाइट्राइल प्लस 1,3-ब्यूटाडाइन का पॉलीमर है बौना नाइट्रोजन। इसके बाद फिर यहाँ पे तो क्लोरोप्रीन है और 1,3-ब्यूटाडाइन, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, द पॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज, मतलब बोल रहा है कि वैसा पॉलीमर बताना जिसमें कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स हो, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप, तो आपके पास या तो पॉलीएमाइड हो या फिर पॉलीस्टर हो, क्योंकि इसी में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसको फाइबर की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, मतलब ये सब फाइबर्स कहलाता है, तो पॉलीएमाइड या पॉलीस्टर हो, टेफलोन ना तो पॉलीएमाइड है ना पॉलीस्टर है, नाइलॉन 6,6, तो ये जो है पॉलीएमाइड है, मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स पाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। पॉलीस्टाइरीन ये भी ना तो पॉलीएमाइड है ना पॉलीस्टर है, नेचुरल रबर ये भी नहीं है, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स नाइलॉन 6,6 में है, ऑप्शन बी। इसके बाद फिर एट, द स्पीसीज विच कैन बी बेस्ट सर्व एज एन इनिशिएटर फॉर द कैटायनिक पॉलीमराइजेशन इज, तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में इनिशिएटर के लिए कौन सा स्पीसीज यूज हो सकता है, तो इसके लिए लेविस एसिड यूज होता है, तो आप इन सभी में देख लीजिए लेविस एसिड कौन सा है, तो लेविस एसिड तो एक ही है AlCl3, ऑप्शन सी यही करेक्ट होगा, लेविस एसिड के कारण ही तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यूज करते थे, जब बेंजीन के साथ रिएक्शन करते थे, मतलब बेंजीन का रिएक्शन Cl2 के साथ करवाते थे, तो इसके लिए AlCl3 या फिर कोई भी लेविस एसिड यूज करते थे, जिससे कि इलेक्ट्रोफाइल Cl+ प्रोड्यूस हो, तो यहाँ कैटायन बनाने के लिए लेविस एसिड का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन इज क्लासिफाइड एज कंडेंसेशन पॉलीमर, तो इन सभी में से कंडेंसेशन पॉलीमर कौन सा है, तो सबसे पहले देखिए डेक्रोन, तो डेक्रोन जो है पॉलिस्टर होता है CH2OH और इसके साथ CH2OH प्लस टर्थेलिक एसिड, मतलब बेंजीन से एक दूसरे के पारा पोजीशन पे दो COOH ग्रुप अटैच हो, तो इसमें से -H2O होता है और पोलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, तो डेक्रोन बनाता है, डेक्रोन या फिर टेरिलीन भी इसको बोलते हैं,
माइनस एच टू हो रहा है तो कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी सब देख के ही पता चल रहा है कि एडिशन पॉलीमर है। नियोप्रीन, टेफ्लोन, एक क्रायोनाइट्राइल, ये तो पॉलीमर ही नहीं है। पोली एक क्रायोनाइट्राइल रहता तो पॉलीमर कहलाता है, ये तो मोनोमर है क्रायोनाइट्राइल। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पॉलीमर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लेक्वर्स। तो पॉलीमर का लास्ट पार्ट में एक टॉपिक पढ़ाए थे, सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स, और उसका यूज भी बताए थे कहाँ कहाँ यूज होता है। तो वहां पे ग्लिप्टल में ये पॉइंट बताए थे कि यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लेक्वर्स। तो ग्लिप्टल जो है वो पेंट्स या लेक्वर्स यूज, मतलब लेक्वर्स के मैन्युफैक्चर्स में यूज होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद फिर 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लो डेंसिटी पॉलीथीन इज फॉल्स। फॉल्स, इसको अंडरलाइन कीजिए, ट्रू नहीं, ऐसा नहीं कि ट्रू है तो आप मार के आगे बढ़ जाइए, फॉल्स वगैरह में बहुत गलती हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है, इट्स सिंथेसिस रिक्वायर्ड डाई ऑक्सीजन और ए परऑक्साइड इनिशिएटर एज ए कैटलिस्ट। तो हाँ ये सही है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसलिए इसमें परऑक्साइड इनिशिएटर कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं, या फिर डाई ऑक्सीजन O2 या फिर H2O2, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो इसलिए इसको कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में, LDPE के प्रिपरेशन में। इसके बाद सेकेंड, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट्स, डस्टबिन, etc। तो ये पॉइंट जो है ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो बकेट्स या डस्टबिन बनाने के लिए यूज नहीं होता है, बकेट्स या डस्टबिन के लिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन यूज होता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर का इंसुलेशन के लिए यूज होता है, या फिर ट्वाइज या फ्लेक्सिबल पाइप्स वगैरह के लिए यूज होता है। बकेट्स या डस्टबिन के लिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज होता है। तो ये फॉल्स है, मतलब यही आंसर हो गया, मतलब सी और डी तो सही होगा। इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ सही बात है, पुअर कंडक्टर है तभी तो इसको इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर के लिए यूज करते हैं। इट्स सिंथेसिस रिक्वायर हाई प्रेशर, तो हाँ इसका सिंथेसिस के लिए हाई प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आपको इसका प्रिपरेशन ध्यान हो तो इथिलीन से 1000 to 2000 ATM प्रेशर पे रिएक्शन करवाते हैं, 1000 ATM, समझ रहे हैं कितना हाई प्रेशर है, तब जाके पोली इथिलीन बनता है, पोली इथीन जिसको आप बोल सकते हैं, तो ये भी सही है। इसके बाद फिर नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इन्वॉल्व्स हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन किसके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है? तो पहला नाइलोन 6, तो नाइलोन 6 जो है कैप्रोलेक्टम से बनता है, इस तरह से NH C डबल बॉन्डो, और ये सेवन मेंबर का रिंग है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए इस तरह से, पहले ये फिर ये, मतलब इधर से भी रेड करते हैं इस तरह से, अब ये आपको 7 मेंबर का रिंग दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 तो कार्बन एटम है और एक नाइट्रोजन। अब इसका रिएक्शन होता है 533 to 543 केल्विन के आसपास H2O के प्रेजेंस में, मतलब हाइड्रोलिसिस होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये H और ये OH, तो NH2 और COOH बनता है, NH2 और फिर CH2 whole 5 COOH। उसके बाद फिर फर्दर कंडेंसेशन होता है, मतलब एक और मॉलिक्यूल रहेगा उसका COOH और NH2 में से माइनस H2O होगा, तो C डबल बॉन्ड ओ NH, पोली एमाइड लिंकेज बनेगा, और पोली एमाइड लिंकेज को ही नाइलोन बोलते हैं, इसी का नाम नाइलोन 6 हो जाता है। मतलब हर एक मॉलिक्यूल में से एक का NH2, दूसरे का COOH से माइनस H2O करके नाइलोन 6 बनाएगा, मतलब इसी में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इन्वॉल्व है, कैप्रोलेक्टम से नाइलोन 6 का जो प्रोसेस है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी बेकेलाइट में फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन होता है, तो हाइड्रोलिसिस कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है, नाइलोन 6.6 में भी नहीं है, इसमें तो माइनस H2O होता है, हाइड्रोलिसिस नहीं होता। टेरिलेन या फिर टेक्रोन, इसमें भी माइनस H2O होता है, तो ये सब डिहाइड्रेशन इन्वॉल्व रहता है इन तीनों में, लेकिन इसमें हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व रहता है, ऑप्शन 1। तो 12th का 1
करेक्ट है। तो यहाँ पे पॉलीमर का प्रीवियस ईयर जेई मेन कंप्लीट हो गया डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।